मैंने ब्लैक काजल ये लिया, ब्लैक आईब्रो पेंसिल किया था, ब्राउन आ गया। मैंने अभी चेक किया। Hey my beautiful peoples, welcome back to my channel. I hope all you are doing good and welcome back to another exciting video. So guys, मैंने purple से बहुत सारा चीज़ें खरीदा है under 500 rupees and सारा चीज़ें आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। In fact, like मुझे कल रिसीव हुआ था, मैंने इसका कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया, बस आप लोग के सामने दिखाने के लिए, टू गिव अ ऑनेस्ट रिव्यू टू ऑल कि आप लोग जब खरीदे ये सब प्रोडक्ट्स, सपोर्ट मिल जाए मेरे से कि ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फॉर दिस रीजन गाइज मैंने कोई भी अनबॉक्सिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, सारा आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग भी करूँगी, इसका रिव्यू भी दूंगी। एंड या विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज फर्स्ट प्रोडक्ट मैं रिव्यू देने वाली हूँ, उसका अनबॉक्सिंग भी करने वाली हूँ, जो है ये गुड वाइब्स का ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर मास्क। मैंने ये पर्पल से खरीदा है, इसका एग्जैक्ट प्राइस है ₹399 एंड मुझे इसका शायद अफोर्डेबल मतलब डिस्काउंट में मिला है, मे बी ऑन 350 आई गॉट दिस प्रोडक्ट। लाइक इस मैं सब कुछ आपको दिखा रही हूँ, आई एम नॉट गिविंग अ लाइक, अभी तो मैं अपना हेयर नहीं धोने वाली, जब धोंगी अपना हेयर वॉश करूँगी तब इसका और एक रिव्यू मैं बना दूँगी फॉर श्योर, पर अभी इसका अनबॉक्सिंग एंड करने वाली, ठीक है गाइस। तो ऑनियन हेयरफुल कंट्रोल मास्क, मैं हमेशा गुड वाइब्स का ऑनियन शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो भी एसी का है, ठीक है, ऑनियन हेयरफुल शैम्पू। एंड मैंने सोचा ऑनियन हेयरफुल ऑयल भी मैं इसका यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा है कि एक ऑनियन हेयरफुल मास्क भी खरीदा जाए, सो मैंने खरीद लिया। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा कुछ दिन से बहुत हेयर रफ हो रहा था टू यूजिंग दिस हीटिंग टूल्स एंड ऑल, एंड वेदर तो यहाँ का चेंज होता रहता है, यहाँ का वाटर भी इतना अच्छा नहीं है, तो फॉर दिस रीज़न मैंने ये खरीदा है। तो इसका प्राइस है ₹399 जैसे कि मैंने कहा है। एंड या इसका अनबॉक्सिंग मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं इसका फुल रिव्यू तो नहीं दे पाऊंगी इस वीडियो में, इसका अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगी, सो इट विल हेल्प यू गाइस। सो मैंने इसे ओपन कर रही हूँ, या एक गोल्डन कलर का एक कुछ फील के जैसे आता है ये, सीधा है क्वांटिटी गाइस, इनफ क्वांटिटी है, अच्छा है, बहुत अच्छा स्मेल है, बहुत ही अच्छा स्मेल है गाइस, तो इसे मैं यूज़ करूँगी फॉर श्योर। एंड या पैकेजिंग वाइज एंड दिखने वाइज स्मेल वाइज अच्छा है, एंड गुड वाइज ऑलवेज अच्छा ही होता है, मैं गुड वाइज का बहुत प्रोडक्ट यूज करती हूँ हेयर के लिए स्पेशली, इट्स लाइफ सेवियर एंड हेयर सेवियर, बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड या इसको आराम से आप खरीद सकते बिकॉज ये नो पैराबेन फ्री है, नो सल्फेट्स है, गुड वाइब्स ऑनियन हेयर फॉल कंट्रोल हेयर मास्क। सो गाइज जो नेक्स्ट चीज़ का मैं रिव्यू कर देने वाली हूँ ये है गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। एंड ये टोनर मैं पहले अभी भी यूज़ कर रही हूँ, मेरा ख़त्म होने वाला है, तो ये मुझे शायद इसका रियल प्राइस है इट्स 195 पर मुझे 140 और 140 वैसे डिस्काउंट में मिला है गाइज। एंड मैंने सब कुछ का चीज़ एक साथ ही खरीदा है, तो मुझे अंडर मे बी 1000 में सारा चीज़ मिल गया है, बट द प्रोडक्ट्स आर अंडर 500। ओके, तो मैं ये हमेशा से यूज़ कर रही हूँ, इनफैक्ट अभी भी मेरा एक रोज टोनर है जो अभी ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर दिया था। एंड मैं कोई और रोज टोनर नहीं खरीदती, इसका भी अनबॉक्सिंग कर देती हूँ आप लोगों के सामने। मैंने ये ओपन कर लिया एंड या दिस इज द टोनर। अभी मैं अपने मुंह में स्प्रे नहीं करूंगी, बस ऑलरेडी मेकअप है तो ऐसा है ना, यहाँ पर स्प्रे करके देख रही हूँ। पूरा रोज जैसे स्मेल आता है एंड इट्स रियली गुड। तो ये प्रोडक्ट तो मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, तो इसका एक्स्ट्रा करके मैं क्या रिव्यू दूँ, पर बहुत ज्यादा अच्छा, यू कैन गो फॉर इट, अफोर्डेबल है, अच्छा रोज टोनर है गुड वाइब्स का। सो गाइस नेक्स्ट जो चीज़ का मैं रिव्यू देने वाली हूँ ये है NYBA का आईब्रो पेंसिल। मेरा आईब्रो पेंसिल में ये बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, NYBA का आईब्रो पेंसिल बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत अफोर्डेबल है, ₹99 का है पर मुझे ₹80 में मिला है एंड इट्स वेरी नाइस ब्राउन क्लाइन ब्रश आईब्रो पेंसिल, प्लस वाटर प्रूफ भी है। अभी मैंने ये लगा के रखा है पर मेरा वो ख़त्म होने वाला है, तो अभी तक इसका भी अनबॉक्सिंग नहीं किया, इसका भी कर देती हूँ अनबॉक्सिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। NYBA का बहुत अच्छा है, मैं हमेशा ब्राउन कलर का लाइक आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती, हमेशा ब्लैक ब्लैक के लिए जाती हूँ,
because it suits me a lot. इसका अनबॉक्सिंग कर दिया है मैंने एंड यू कैन सी द गाइस ऐसा धोखा हो गया है. मैंने ब्लैक काजल ये लिया, ब्लैक आईब्रो पेंसिल किया था, ब्राउन आ गया. मैंने अभी चेक किया. ओह यार ब्रुकलिन, मैंने अभी बनने का टाइम में नहीं मिला. ब्राउन वाला आईब्रो पेंसिल मैं ब्राउन इस्तेमाल नहीं करती हूँ. पता नहीं अभी इस्तेमाल करके देखना होगा सूट्स में या नॉट. बट या अभी आ गया तो अभी इसको मैं रिटर्न ही भेज दूंगी. एक बार ट्राई करना चाहती हूँ कि ब्राउन आईब्रो पेंसिल कैसा लगता है. पर इसका पिगमेंटेशन भी इतना ख़राब नहीं है. कैसे इसका पिगमेंटेशन हल्का सा ब्राउन है. चल जाए, लेट्स सी. नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं ज़रूर रिव्यू दूंगी गाइस. नेक्स्ट वाला जो है ये आइकॉनिक का लैक्मे आइकॉनिक आई लाइनर. मैं बहुत देर से ये इस्तेमाल कर, वो मेरा जो पहले वाला था वो ख़त्म होने वाला. अभी भी मैंने वही देखे रखा है. द इट्स वेरी नाइस गाइस. तो द प्राइज आई गेस द प्राइज या द प्राइज इज 250 पर मुझे 230 में मिला है. एंड मैं ये बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ. इनफैक्ट फ्रॉम मैनी मंथ्स आई एम यूजिंग इट. जितना भी आप रो लो धो लो बिल्कुल आपका आई लाइनर नहीं हटता है. द पिगमेंटेशन एक बार दिखा देती हूँ इसका. सी द पिगमेंटेशन गाइस, इट्स डैम ऑसम. यू कैन सी माई आईज ऑन. गाइस नेक्स्ट वाला जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो फ्री में मिला है एक्चुअली. गाइस आप लोग को शायद पर्पल लाइट के बारे में नहीं पता होगा. इफ़ यू बाय अ प्रोडक्ट ऑफ लाइक 189 यू कैन गेट द प्रोडक्ट्स रेस्ट ऑफ लाइफ. अपना रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए आप लोग को प्रोडक्ट्स एकदम फ्री में मिलेगा. ऐसे ही मैंने किया गाइस फ्रॉम एलाइट पर्पल. आपको पर्पल सेक्शन मतलब आप जब ऑर्डर करेंगे यू कैन सी वहाँ पर अभी नया एक ओपनिंग हुआ है. यू कैन सी देयर कि यू कैन गेट फ्री प्रोडक्ट्स. ठीक है एलाइट के मेम्बर होने से तो अभी एलाइट का मेम्बर मैं हो चुकी हूँ एंड आई विल गेट फ्री प्रोडक्ट्स नाउ. एंड आप लोग भी सेम कर सकते हैं. मैं सब चीज़ों का लिंक दे दूँगी. ये है ऐप्स का क्यूकम्बर टोनर. मैं वहाँ पर ऑप्शन आया था यू कैन चूज़ क्यूकम्बर टोनर और ऐप्स का था और बहुत सारी चीज़ों का था. मैंने सोचा एक मैं रोज टोनर यूज़ करूँ बट मैंने सोचा एक डिफरेंट कंपनी का ऐप्स कंपनी अच्छा है. डिफरेंट कंपनी का क्यों ना एक रोज टोनर इस्तेमाल किया जाए. तो मैंने ये मैंने ये चूज़ किया. मैंने सैंडलवुड भी देखा था पर नहीं सोचा. बट क्यूकम्बर इज़ वेरी गुड फॉर फेस, इट्स गुड फॉर स्किन टू. इसलिए मैंने ये वाला खरीदा है. एंड इसका प्राइस मुझे फ्री में मिला. इसका प्राइस है 145 बट आई गॉट इन अ फ्री कॉस्ट प्राइस. बहुत ही अच्छे एलाइट मेंबर होने के बाद ही मुझे ये मिला है. दिस इज द टोनर. एंड मैं भी अभी तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया पर मैं सोचूँ इसका अनबॉक्सिंग कर दूँ एंड एक रिव्यू आप लोगों के सामने दे ही दूँ. नहीं नहीं गाइस इसको मैं सस्पेंस में रखती हूँ. इसका रिव्यू मैं नहीं दूँगी. अनबॉक्सिंग अलग चीज़ है. अनबॉक्सिंग मैंने दिखा दिया आप लोगों को गाइस. बट इसका मैं रिव्यू एक अलग से बनाऊंगी एक और वीडियो में क्योंकि इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट मैं इस्तेमाल कर दूँ फिर आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगी. क्योंकि अभी मेरा फेस में मेकअप है तो मुझे समझ नहीं आया था जितना हैंड में स्प्रे मार दूँ. क्योंकि जो गुड बैग्स का टोनर तो रेड बस्ट स्प्रे ना है यूज लेट बिफोर मैं ये वाला कभी यूज़ नहीं किया. तो इसलिए गाइस पहले मैं यूज़ कर दूँ फिर आई विल ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट. ओके सो या गाइस दैट्स इट विद द वीडियो. आई होप आपको ये पर्पल मेकअप हॉल वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन. एंड इफ यू लाइक मी कैन फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया साइट्स एंड आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड बाय गाइस, टेक केयर.